गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलराइट, तो लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। राइट, रिप्रोडक्शन इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, पहले से मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसके अंदर वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, ये अपन ने बात कर ली थी पुराने वाले जो है चैप्टर के अंदर। अब अपन बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 12 11th में पढ़ा होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स दो बियर द फ्लावर, the plants to bear the flower, the plants are known as flowering plants. For example, if you talk about angiosperms, angiosperms jitne bhi hai, all kind of angiosperms bears the flower. So in this chapter we'll talk about reproduction in angiosperms. Angiosperms ke andar reproduction ke bare mein baat karenge apan. Whenever we talk about sexual reproduction, जब भी जो है अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दैट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लावर। दैट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लावर। बट इसके साथ में अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लाइक व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर होता क्या है, हाउ इट इज डेवलप्ड, डेवलप कैसे होता है ये। अभी अपन को स्टेम और रूट के बारे में तो पता है, एवरीबॉडी अवेयर ऑफ दिस थिंग, लाइक द स्टेम इज जनरेटेड फ्रॉम प्लूमूल एंड रूट इज जनरेटेड फ्रॉम रेडिकल। बट हाउ द फ्लावर इज डेवलप्ड, व्हाट इज अ फ्लावर, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्लावर जो है दिस इज रिड्यूस्ड मॉडिफाइड स्टेम। ये एक रिड्यूस्ड मॉडिफाइड स्टेम होता है। राइट, अभी लाइक हाउ इट इज फॉर्म, कैसे फॉर्म हुआ है, सपोज दैट दिस इज अ स्टेम, व्हाट इज इट, इट इज अ स्टेम। स्टेम के अंदर जो है स्टेम के पार्ट पाए जा रहे हैं, लाइक दिस वन इज नोड एंड दैट वन इज इंटरनोड। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस व्हाट हैपेंस, द नोड्स विल सप्रेस, नोड्स जो है सप्रेस हो जाएंगी, दे विल कम क्लोजर, आपस में एक दूसरे के पास आएंगी और पास आने के बाद में ये बहुत ही क्लोज हो जाती हैं। क्लोज इन द सेंस इज लाइक वी कैन से आपस में एक दूसरे को टच करने लग जाती हैं और भी इससे पास आ जाएंगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। आपको ये पता होगा कि जो स्टेम है, स्टेम के अंदर नोड पे से ही हमेशा ब्रांचेज या फिर लीव्स अराइज होती हैं। राइट, तो इसके ऊपर जो भी लीव्स हैं वो भी आपस में ऑब्वियसली दे विल कम क्लोजर, बहुत पास पास आ जाएंगे आपस में एक दूसरे के। तो इस प्रकार से इन स्ट्रक्चर्स का पास पास आने के बाद में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लावर। इसी की रेफरेंस में ये डेफिनेशन दी हुई है कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब कि स्टेम ने अपने स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद में नाउ इट इज चेंज एंड कन्वर्ट इनटू फ्लावर, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। रिड्यूस्ड इन द सेंस स्टेम के अंदर जो भी रीजन था वो रिड्यूस हो गया, सप्रेस हो चुका है, सप्रेस होने के बाद में फ्लावर को फॉर्म कर रहा है। सो इस प्रकार से जो है फ्लावर फॉर्म होता है, फ्लावर इज अ रिड्यूस्ड मॉडिफाइड स्टेम। दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपना वाइटल रोल प्ले करती है। अब जो है अपन फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। फ्लावर जो है बेसिकली चार पार्ट से मिलकर बना होता है, फ्लावर बेसिकली चार पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर जो इनर मोस्ट वर्ल्ड है, जिसके अंदर जो इनर मोस्ट वर्ल्ड है, दैट इनर मोस्ट वर्ल्ड इज नोन एज पिस्टल। दिस इज फीमेल पार्ट, कैसा पार्ट है ये, फीमेल, इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं, इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं। राइट, इसके जस्ट बाहर की तरफ पाया जा रहा है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टैमिन। व्हाट इज दैट स्टैमिन, स्टैमिन को बोलते हैं एंड्रोशियम, इट इज एंड्रोशियम।
राइट, इसके जस्ट बाहर कलरफुल लीव्स पाई जाती हैं। दीज कलरफुल लीव्स आर नोन एज पेटल्स। कलरफुल लीव्स को बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इस कोरोला। 11th में मैंने बताया भी था कि पेटल्स और कोरोला में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आपको याद होगा। इसके जस्ट बाहर पाई जाती है छोटी छोटी ग्रीन लीव्स। दीज स्मॉलर ग्रीन लीव्स आर नोन एज सेपल्स। कलेक्टिवली इनको बोलते हैं कैलिक्स। राइट, ये सारी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर रेंज होती है कपला की स्ट्रक्चर के ऊपर, इसको बोलते हैं थैलमस। That structure is known as thalamus. So this is the structure of flower. Flower basically चार पार्ट से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट इज सेपल, देन पेटल, देन स्टैमेन एंड देन पिस्टल। वी विल टॉक अबाउट दीज ऑल फोर पार्ट्स। चारों के चारों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, पिस्टल के बारे में भी, स्टैमेन के बारे में भी, और पेटल्स के बारे में भी, और सेपल्स के बारे में भी। आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा कि फ्लावर होते क्या है। दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर और मॉडिफाइड स्टेम, कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। फोर पार्ट्स आर अरेंज्ड ऑन स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्टैमेन। अपन जस्ट स्टैमेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं कि स्टैमेन होता क्या है। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर। थैंक्स।